Hello students, in this video I will explain lesson 5 MS Word 2010. First topic aapka introduction. MS Word 2010 offer the best enhanced feature to create a professional quality document. जो MS Word 2000 है इसमें हमें बहुत से ऐसे फीचर मिल जाते हैं जो हमारा हम जो प्रोफेशनल क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बना सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं. इट इज़ डिज़ाइन टू गिव यू द फाइनेस्ट फॉर्मेटिंग टूल. इसमें हमें डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही फाइनेस्ट फॉर्मेटिंग टूल्स मिलते हैं एंड आल्सो हेल्प यू टू ईजली ऑर्गेनाइज, जिन्हें आप ईजली ऑर्गेनाइज कर सकते हो एंड राइट योर डॉक्यूमेंट्स मोर इफिशियंटली. और अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही इफिशियंटली, इफिशियंटली मीन्स होता है कुशलता से, अपने डॉक्यूमेंट्स को मोर इफिशियंटली आप राइट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है एडिंग एंड रिमूविंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट्स. हम डॉक्यूमेंट्स में कैसे कोई भी टेक्स्ट को ऐड करेंगे, किसी को रिमूव करना चाहते हैं, कुछ हमने मतलब गलती से गलत राइट कर दिया तो उसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है, इस सब के बारे में आपको बताएंगे हम. यू कैन ऐड और रिमूव एनी ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम टाइप पैराग्राफ. जैसे आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं और आपको उसमें ऐड करना है कुछ, मान लीजिए आपको कुछ छूट गया है तो उसको आपको ऐड करना है, तो किस टाइप से आप ऐड करेंगे. एडिंग द टेक्स्ट, टू ऐड द टेक्स्ट यू सिंपली हैव टू पोजिशन द ब्लिंकिंग कर्सर. तो आप जो है कर्सर की पोजिशन दे दीजिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर कुछ आपको राइट करना है तो यहाँ पर आप कर्सर पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग कर्सर मिल जाएगा. Where you want to add the text with the help of the keyboard, या फिर आप keyboard की help से भी आप कर सकते हो इसको. The existing text will automatically shift. जो आपका text है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ write करना है तो ये आपका जो ब्लास्ट का टेक्स्ट है ना, ये रिवर इंटरफेस, ये अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे हटता रहेगा. ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द स्पेस फॉर द न्यू टेक्स्ट, और ये न्यू टेक्स्ट को आपके स्पेस देगा और अपने आप ये पीछे होता रहेगा. आप लोगों ने मोबाइल में आप टाइप करते हो तो होता है ना ऐसा कि आपको डिटेल से कुछ राइट करते हो, आप मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो तो आप ठीक कर लेते हो, उसमें कुछ ऐड करना होता है तब आप कर लेते हो. ठीक है, क्लिक ऑन द लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट्स. आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे लोकेशन पर अपने डॉक्यूमेंट से. वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द न्यू टेक्स्ट, जहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट इंसर्ट करना है, आपको ये आपका है, आपको जहाँ भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए. ठीक है, द टेक्स्ट यू टाइप विल अपीयर वेयर द कर्सर ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन. जब आप टाइप करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप स्पेस बनता रहेगा. टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू इंसर्ट, टू इंसर्ट द ब्लैंक स्पेस प्रेस द स्पेस बार. और जब आपको कहीं स्पेस देना है तो आप क्या करेंगे, स्पेस बार की होती है ना उसका यूज करेंगे कीबोर्ड से. द वर्ड ऑफ द राइट ऑफ द न्यू टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मूव फॉरवर्ड, और जो आपके वर्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली मूव होते रहेंगे, मतलब जो पीछे पहले से राइट वर्ड्स हैं वो अपने आप मूव होते रहेंगे. आपको जो राइट करना है आप उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है रिमूविंग द टेक्स्ट, मतलब आपको रिमूव कैसे करेंगे. इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. एक होता है कि आपको जो भी टेक्स्ट लेना है उसी को पहले सिलेक्ट कर दो, फिर कीबोर्ड से आप डिलीट की यूज करो और वो जो है आपका रिमूव हो जाता है. ठीक है, रिमूविंग द टेक्स्ट, द अनवांटेड टेक्स्ट कैन बी रिमूव. जो टेक्स्ट आप नहीं चाहते उसको रिमूव कर सकते हो फ्रॉम एनी वेयर इन द डॉक्यूमेंट्स वैन एवर रिक्वायर्ड. जैसे आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स है, आपने राइट किया, आपको कोई लाइन है, मान लीजिए आप इस लाइन को नहीं चाहते हो, ये आपको नीड नहीं है इसकी, ये रॉन्ग हो गई है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो. तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड टू रिमूव द टेक्स्ट. और उसके बाद क्या करोगे, आप डिलीट की प्रेस करोगे ना तो जो इतना पोर्शन आपने सेलेक्ट किया है वो सब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. द टेक्स्ट डिसअपीयर, टेक्स्ट जो आपको दिखाई नहीं देगा. द रिमेनिंग टेक्स्ट इन द लाइन और पैराग्राफ मूव ऑटोमेटिकली टू फिल द एम्प्टी स्पेस, और जो खाली जगह है ना वो खुद आगे फिल हो जाएगी. जो ये आपका इस जो आगे आपने राइट किया ना वो अपने आप आगे आ जाएगा, जो एम्प्टी स्पेस है वो आपका फिल हो जाएगा और जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपका डिलीट हो जाएगा. ठीक है, बहुत इजी होता है, आप लोग ये करते होंगे डेली, मोबाइल वगैरह में भी करते हैं इसका हम यूज. नेक्स्ट है आपका अंडू एंड रीडू. अंडू और रीडू कमांड अभी यूज करते हैं. द अंडू फीचर, द अंडू कमांड इज यूज टू अंडू एनीथिंग. अंडू कमांड का यूज करते हैं किसी भी चीज को अंडू करने के लिए. यू डू इन वर्ड विच इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, इसमें आपका फॉर्मेटिंग टेक्स्ट भी आता है, मूविंग द ब्लॉक का आता है, टाइपिंग एंड डिलीटिंग द टेक्स्ट एटसेट्रा. दे आर टू वे टू यूज द अंडू कमांड. अंडू कमांड यूज करने के टू वे होते हैं. आप अंडू कमांड्स को क्विक एक्सेस टूल बार से भी यूज कर सकते हो और आप इसको कंट्रोल जेड की हेल्प से भी यूज कर सकते हो. प्रेस कंट्रोल जेड की फ्रॉम द कीबोर्ड. ठीक है, कंट्रोल और जेड, कंट्रोल की और जेड की को आपको एक साथ प्रेस करना होता है इसमें.
ठीक है। और आप क्विक एक्सेस टूल बार में चाहिए, वहां पर आपको अंडू बटन मिलेगा, उससे भी आप कर सकते हो। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द अंडू कमांड बटन, अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर दैट विल हेल्प टू यू टू रिव्यू। ठीक है, आप जब अंडू कमांड पर बटन पर क्लिक करोगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा, द पास्ट सेवरल थिंग्स यू हैव डन एंड देन कैन बी अनडन। नेक्स्ट है रीडू फीचर। रीडू फीचर्स क्या होते हैं, इफ़ यू अनडू समथिंग, अगर आपने कोई चीज़ अनडू कर दिया और आप उसको फिर चाहते हो, दैट यू डिड नॉट मीन्स टू, यू कैन यूज रीडू, तो आप उसके लिए उसको फिर से यूज करना चाहते हो तो आप उसके लिए रीडू कमांड का यूज कर सकते हैं। रीडू कमांड टू सेट थिंग बैक टू द वे दे वर, जो आपने जिसको अनडू किया है वो आपका रीडूज कमांड से बैक हो जाएगा। यू कैन यूज रीडू कमांड इन टू वे, इसको भी आप टू वे से यूज कर सकते हो, कंट्रोल वाई, ठीक है, कंट्रोल वाई की थ्रू हेल्प से, जो कीबोर्ड में हमारी कंट्रोल की होती है ना और वाई की को एक साथ प्रेस करेंगे, क्लिक ऑन द रीडू बटन प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार, और क्विक एक्सेस टूल बार में आपको रीडू बटन मिलेगा, उसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, रीडू कमांड लगा सकते हो, ठीक है, रीडू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।